हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक, वेलकम टू द एविएशन कैरियर माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में बात करेंगे एक इंटरनेशनल एयरलाइंस की जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिसका नाम है यूनाइटेड एयरलाइंस। फ्रेंड्स, यूनाइटेड एयरलाइंस या अमेरिकन वेस्ट एयरलाइंस है। इसका हेड क्वार्टर शिकागो अमेरिका में है। इंडिया में दो बेस्ट के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस ने ओपनिंग को रिलीज किया है, एक बेंगलुरु के लिए एंड सेकेंड दिल्ली के लिए। सो इस अपडेट्स के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। इस चैनल पे आपको एयरलाइंस इंडस्ट्री, डिफेंस सर्विसेज एंड गवर्नमेंट के जितने भी जॉब अपडेट्स आते हैं उसका लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाया करेगा इस चैनल पे। सो विदाउट फर्दर एनी डिले मूव करते हैं आज के अपडेट्स की ओर। ठीक है, इसमें दो बेस के लिए ओपनिंग आया हुआ है, बेंगलुरु एयरपोर्ट एंड दिल्ली एयरपोर्ट। फर्स्टली बात करेंगे बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है एंड आपकी जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो क्या क्या रहेगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बेंगलुरु एयरपोर्ट्स के लिए जो ओपनिंग है वो पार्ट टाइम जॉब है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है दिस इज़ अ पार्ट टाइम पोजीशन। ओके, सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए वो कर सकते हैं अप्लाई अगर बेंगलुरु में स्टे कर रहे हैं तो। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है उसके बारे में फर्स्टली बात कर लेते हैं। इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है, कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपका किसी भी एयरलाइंस में 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है सेम पोजीशंस में तब इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सेकेंडली, प्रीवियसली सुपरवाइजरी एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस, आपके अंदर सुपरवाइजरी एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस होनी चाहिए। थर्ड है बैचलर डिग्री प्रीफर्ड, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको यहाँ पे प्रीफरेंस दिया जाएगा, बट मिनिमम जो रिक्वायर्ड किया जा रहा है क्वालिफिकेशन और 10+2 या डिप्लोमा रिक्वायर्ड किया जा रहा है। मोस्ट बी फ्लुएंट इन रिटेन एंड स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, आपका इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी होनी चाहिए। एंड लास्ट है साउंड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एंड ईमेल्स, आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, वर्ड की, एक्सेल की एंड ईमेल्स वगैरह की। ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ, एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ ATW एयरपोर्ट ऑपरेशन प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस एंड गुड टेक्निकल नॉलेज ऑफ एयरपोर्ट एप्लीकेशंस MAP एरो शेयर्स एंड AIMS ATC। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये सारे स्किल्स रिक्वायर्ड किए जा रहे हैं एंड इसके लिए जो एज लिमिट रिक्वायर्ड किया जा रहा है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है। एंड यहाँ पे ड्यूटी इंक्लूडिंग बट नॉट एटलीस्ट 2, जो आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको भी आप एक बार स्टडी कर लेना अप्लाई करने से पहले। मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल फॉर अनहोल्डिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग MOCHA ऑडिट कंप्लीटेशन सेफ्टी इंस्पेक्शंस एंड फीडबैक टू कस्टमर सर्विस रेप्स, ड्राइविंग द ऑपरेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट लॉबी गेट्स प्रीमियम सर्विस क्लब बैगेज एंड कनेक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेकेंडली आपके क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है वो सब कुछ दिया गया है। आप इसको अप्लाई करने से पहले एक बार केयरफुल्ली उसको पढ़ लेना, देन इसको अप्लाई करना। इसको अप्लाई करने के लिए मैं इस वीडियो का इसका जो लिंक है मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेम इंटरफेस, फिर इसको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई जैसे क्लिक करोगे आप तो आपका सेकेंड इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जो कि यूनाइटेड एयरलाइंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगा। देन यहाँ से अगर आप यूनाइटेड एयरलाइंस की कैरियर वेबसाइट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे न्यू यूजर में क्लिक करना है। न्यू यूजर में क्लिक करने के बाद आपका सेकेंड इंटरफेस बन जाएगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का। देन यहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो पुट करना है एंड इसको फिल करके फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, अब आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगेन आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड किए जाएंगे, आपके नेम, आपका एड्रेस या आपका क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ रिक्वायर्ड किया जाएगा, वो आपको फुलफिल करके सबमिट करना है।
फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी फी, फॉर्म का फी या फिर कुछ भी चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं विदाउट फर्दर एनी डिले जो दिल्ली का एयर दिल्ली का जो ओपनिंग है उसकी तरफ। दिल्ली का जो ओपनिंग है प्रीमियम सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए है। ठीक है, ये परमानेंट जॉब है दिल्ली की जो ओपनिंग है उसके लिए। इसके लिए जो आपका स्किल्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है हाई स्कूल डिप्लोमा एंड GED, मीन्स अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर 10+2 का डिग्री है तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे उसके लिए स्पेशल प्रिफरेंस दिया जाएगा। मोस्ट बी करेंट एंड रिमेन करेंट विद ऑल रेगुलेटरी प्रोडक्ट एंड कंपनी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। ठीक है, नाउ मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट सर्विसेज। यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का, मीन्स कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। अगर आपने किसी अदर एयरलाइंस में काम किया है सो आपको यहाँ पे उसके लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर भी एज लिमिट सेम ही रहेगा, मिनिमम 21 ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स। आपको दोनों लैंग्वेज फ्लुएंसी होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज फ्लुएंसी। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज में रिटेन स्पोकन दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिटेन एंड स्पोकन में दोनों में फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर भी बेसिक स्किल्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट सच एज आउटलुक वर्ड एंड एक्सेल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडली मोस्ट बी फ्लेक्सिबल टू वर्क एनी शिफ्ट ड्यूरिंग 24/7 वर्क वीक इंक्लूडिंग नाइट वीक एंड हॉलीडे। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है आपको 24/7 वर्क करना है इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट या वीकडो या हॉलीडे हो। ठीक है, विलिंग्स टू एक्सेप्टेड एडिशनल प्रोजेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एबिलिटी टू ट्रेवल वेन रिक्वायर्ड। ठीक है, सो इसको अप्लाई करने से पहले इसको भी आप एक बार केयरफुल स्टडी कर लें, देन इसको अप्लाई करें। इसको भी अप्लाई करने का जो सेम प्रोसेस है आपको यहाँ इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे सेम प्रोसेस आएगा। ठीक है, क्लिक करते ही आपका इसका जो कैरियर वेबसाइट है कहाँ से अप्लाई करना ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है जैसे मैंने कि पहले बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसका अभी करंट ओपनिंग अभी इसका डेट एंडिंग डेट कब तक है पता नहीं है, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि इस ओपनिंग का डेट जो है वो क्लोज कब हो जाएगा। अभी आपका टाइम है, आप अगर इसको इंटरेस्टेड है इस एयरलाइंस में जॉब करने के लिए तो आप इसको अप्लाई कर दें। बिकॉज अगर आप इसको अप्लाई भी करते हो तो आपका जॉब जो रहेगा इंडिया में ही रहेगा। आप जिस बेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, दिल्ली बेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जॉब करोगे, अगर बेंगलुरु बेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जॉब करोगे। ठीक है, एंड इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। सो अगर आपको कोई भी चार्ज अगर कोई भी किसी टाइप का अमाउंट रिक्वायर्ड कर रहा है तो आप कभी पेमेंट ना करें। ठीक है, एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई और भी डाउट या कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज आप चाहे तो मुझे मेल लिख सकते हो, मेरा ईमेल आईडी है deaviationcareer@gmail.com। फ्रेंड्स, जो भी एयरलाइंस कंपनी में कोविड के टाइम जिनका भी जॉब का लॉस हो गया है वो इनको ज़रूर अप्लाई कर दें, क्योंकि जो ये इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी है इसमें आपको सैलरी बहुत ही अच्छा खासा दिया जाएगा कंपेरिजन टू डोमेस्टिक एयरलाइंस। सो जो भी इंटरेस्ट है इसको अप्लाई कर दें। तब इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।